अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल शहजाद ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ना आईफोन 11 लिया था, तो उसकी जो आज मैंने ना पिक्चर बनाई है वो एडिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसी। रूम दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हैं, ये बहुत मज़े के जहाज़ पड़े हैं, ये सारे जहाज़ हैं। लेकिन ये जहाज़ वो नॉर्मल जहाज़ नहीं है, इनमें ये जो जहाज़ हैं ये सारे इंजन वाले हैं। इनके अंदर छोटा सा इंजन लगा हुआ जो ये पेट्रोल से चलते हैं, और ये जो पड़ा है और ये और वो भी बड़े हैं, ये मोटर के साथ चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक हैं। और इनके ये रिमोट है, ये एक एक रिमोट की 15-20 हज़ार रुपये प्राइस है। ये खुद यहाँ तैयार करते हैं, बहुत ही कमाल के जहाज़ हैं। जिसमें ये होगा, ये भी इसका छोटा सा इंजन है, ये फ्यूल वाला इंजन है, तो ये इनमें फ्यूल डलता है, ये और ये जो कैनों में पड़ा ये फ्यूल इनके अंदर डलता है। तो ये बड़े कीमती जहाज़ हैं, बहुत महंगे वाले। तो इसमें आपको ये बहुत से कलर मिल जाएंगे, ये हो गया, इसमें ये येलो हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ये बहुत से कलर हैं इसमें, ये बहुत कमाल है। और इसके पीछे यहाँ भी रिमोट पड़े हैं, ये भी सारे इसके रिमोट हैं। कड़ी सालन पाए बन रहे, और ये VIP कमाल बने हुए हैं। इनको बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, और साथ में हमारी चाय, कमाल चाय। चाय के अलावा दिन शुरू नहीं होता और दिन ख़त्म भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो शहजाद भाई? ये छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ अपना, ये फार्म पे काम करता हूँ मैं, और ये क्लिप आप अपने व्यूअर को दिखा देना, अपने चैनल पे दिखा देना, शुक्रिया। छोटा सा क्लिप है, ये शो वाले घोड़े खड़े हैं। ये इनका खाना तैयार पड़ा है, अभी इनको खाना देना है, इसलिए ये सारे चला रहे थे। ये 10 घोड़ों का खाना पड़ा है, इसके अंदर मेडिसिन वगैरह भी हमने डाली हुई होती है। ये मेडिसिन है जो येलो येलो नज़र आ रही है, मेडिसिन। ओके शहजाद भैया, शुक्रिया। ठंड है अच्छी खास, ये आग जलाना भी ज़रूरी है यहाँ। इसका हीटर यहाँ से चल जाता है, लेकिन ठंड इतनी है ना, इतना जल्दी हीटर काम नहीं करता, कम से कम इसको 5-10 मिनट चाहिए हीट देने के लिए। तो फिर ये कुछ बाहर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड है इंतहा की। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me.